अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सेक्टर 4 ट्रक यूनियन में, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तमाम करनाल जिले के ट्रक यूनियन के सदस्य हैं वो यहां पर इकट्ठा हुए। एक जरूरी बैठक यहां पर की जा रही है, जो तमाम भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, प्रधान है, राज्य सचिव है, राष्ट्रीय प्रधान है, उसके अलावा जो अध्यक्ष है, तमाम कार्यकारिणी अध्यक्ष है, वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। क्या इनका मुद्दा है एक बार इन्हीं से जानेंगे, लेकिन अपील आप सभी लोगों से यही रहेगी कि जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। सबसे पहले जो भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहित नरवाल, उनसे जानकारी लेंगे। सर, किस वजह से, किस मुद्दे को लेकर आज आप यहाँ पर इकट्ठा हुए और ये क्या जरूरी बैठक यहाँ पर चल रही है? सबसे पहले तो मैं IBN 24 का अनुरोध करूँगा जो यहाँ पर आए और हमारी आवाज़ को आगे पहुँचाने का काम करेंगे। आज जो हमारा मुद्दा है, 15 तारीख से पूरे भारतवर्ष के अंदर जितने भी एसोसिएशन है सभी ने मिलकर के जिसका माल उसका हम माल का नारा दिया गया है कि जैसे हमारी गाड़ियाँ जो लोड होती हैं, हम पैसा लेते हैं ट्रांसपोर्टर से गाड़ी का माल ढोने के लिए। करनाल से पानीपत अगर हमारा माल जा रहा है, माल ढोने के लिए हम पैसा लेते हैं, माल उतारने का पैसा हम लोग कहाँ से देंगे? व्यापारी लोग हमारे ऊपर थोप रखा है डालने के नाम पे कि जो लेबर का जो पैसा होता है 30 रुपये टन 40 रुपये टन उन्होंने हमारे ऊपर थोप रखा है। तो 15 तारीख से पूरे भारतवर्ष के अंदर हमने बंद कर दिया पूरे तरीके से। हम SP साहब से, गंगाराम पुनिया जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि प्रशासन हमारी इसमें सपोर्ट करें। हमने अपने पैम्पलेट्स के ऊपर 100 नंबर पे और 112 नंबर पे कॉल करने के लिए सभी ट्रांसपोर्टर साथियों को बोल दिया गया है और हम 112 नंबर पे 100 नंबर पे कॉल करने का काम कर रहे हैं। पुलिस काफ़ी जिला सत्र पर हमारा सहयोग भी कर रही है और पुलिस आकर के व्यापारी को समझाने का काम भी कर रही है कि ये बिल्कुल जायज़ है और आप ये पैसा लेना बंद करो। सर, जिसका माल जिसका उसी का हमाल, आप बोल रहे हैं हमाल से क्या मतलब है आपका? ऐसा है जी, जिसका माल उसका हमाल, जो माल ट्रांसपोर्ट माल जो है गाड़ी वाला माल ढोने का पैसा लेता है। व्यापारी को माल करोड़ों करोड़ों का माल होता है गाड़ी के अंदर, क्या व्यापारी माल की जिम्मेवारी व्यापारी की होगी ना? हम ढोने के लिए ले जाते हैं, किराया उसी का लेते हैं। माल उतारना माल चढ़ाना व्यापारी लोगों का काम है, व्यापारी लोग उसके ऊपर लेबर का पैसा व्यापारी देंगे, ना कि हम नहीं देंगे। तो मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे करनाल के आसपास के जितने भी मील हैं, यहाँ पर स्टेशन पे जितना भी खाद का काम हो रहा है, सभी व्यापारियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो डाले के पैसे लेने, कांटे के पैसे लेने बंद करें। कांटा आप भी समझते हो, कांटा किस लिए कराया जाता है? माल को चेक करने के लिए। आप लोगों ने गाड़ी के अंदर माल लोड कराया, कांटे का पैसा देने का फर्ज आपका बनता है। हम कहते हैं आप लोग सील लगाओ, कंटेनर माल लोड है, आप लोग सील लगाओ। कांटे का पैसा, डाले का पैसा आज 15 तारीख से कोई भी ट्रांसपोर्टर साथी नहीं देगा। आने वाली 15 की बात नहीं, 15 जुलाई से चल चुका है, 15 जुलाई, लेकिन आज तो 28 तारीख है, 15 जुलाई से चल रहा है। आज हमने प्रोग्राम बीच में इसलिए किया है कि करनाल एरिया के अंदर कुछ व्यापारी हमारे को ये कह रहे हैं कि आपने मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ये मुहिम नहीं चलाई है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर 10-12 स्टेटों में हमारी भारत ट्रक ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की टीम बनी हुई है जो कि इसका पूरे तरीके से विरोध कर रहा है और हमने इसको बंद करने का काम किया। भारत ट्रक एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो वेलफेयर एसोसिएशन है और करनाल में आज आप देख सकते हैं ट्रक यूनियन वालों की यहाँ पर बैठक चल रही है। काफी ज्यादा जो सदस्य यहाँ पर मौजूद है, किस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने ये जानकारी दी कि अब जो 15 जुलाई है, जो बीती 15 जुलाई है, उस 15 जुलाई से एक मुहिम चलाई गई है जिसमें ट्रांसपोर्टर अब किसी भी तरीके की लेबर के पैसा नहीं देगा, किसी भी व्यापारी को अब कोई और पैसा लेने को मजबूर नहीं किया जा सकता। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यापारी है, जो अपना सामान मंगवा रहा है, चाहे करनाल से पानीपत तक का ही क्यों ना हो, तो वो व्यापारी ही खुद लेबर का पैसा देगा, वो पैसा ट्रांसपोर्टर नहीं देगा। और भी तमाम यहाँ पर सदस्य हैं, एक बार उनसे भी जानकारी लेंगे। रविंदर जी हैं, उनसे एक बार जानकारी लेंगे। सर, क्या मुहिम आपने छेड़ी और क्या कुछ ट्रांसपोर्टर जो बाकी तमाम जिले के उनको जानकारी देना चाहेंगे? मैडम जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी एसोसिएशन है जी, और प्रदेश स्तर की और जो ट्रक यूनियन है हरियाणा की, सभी एसोसिएशन में मिल करके जिसका माल उसका हमाल की मुहिम, गाड़ी मालिक के पास पहुंचकर, ड्राइवर के पास पहुंचकर डाला माफ करवाने की मुहिम चलाई है। और ये जो है करप्शन है, इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए आज हमारे जो गाड़ी मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर भाई हैं, चालक हैं, उनसे मिलकर के आज इस करप्शन को ख़त्म करना है। ये किसी कानून में नहीं लिखा कि गाड़ी वाला डाला देगा। आज तक जितने भी व्यापारी हैं,
छोटे व्यापारी लगाओ, उन्होंने हमारी गाड़ी मालिक से 5,000 से लेकर के 10,000 रुपये का महाराष्ट्र में लगता है, हरियाणा के अंदर 1,000 से लेकर के 4,000 तक का डाला लगता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए डाला किसको बोलते हैं? डाला मैडम जो माल लोड होता है उसको डाला बोलते हैं, जो अनलोड होता है उसको डाला बोलते हैं। जबकि हमारा काम है माल ढोने का, हम माल इधर से उधर भेजते हैं और हमारे भाड़े में से डाले के नाम पर पैसा काटा जाता है। हमने 112 पर हमारे ड्राइवर कॉल करते हैं, हरियाणा पुलिस की ओर से हमारे को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है और हम इस मुहिम में पूरे देश के अंदर, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश एक नंबर पर है इस मुहिम को कामयाब करने के लिए। ऊपर से जो डीजल की दरें हैं, डीजल कितना बढ़ गया, भ्रष्टाचार कितना है, सरकार की भी नीति है भ्रष्टाचार को ख़त्म करो, तो हम सरकार की जो नीति उस नीति के अनुसार इस करप्शन को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। पूरे देश में से हरियाणा इस वक्त सबसे आगे जो इस मुहिम को चलाता हुआ नजर आ रहा है। डीजल आपको पता है कि 100 पार करता हुआ नजर आ रहा है, ट्रांसपोर्टर्स को पहले ही काफी ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से अब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि जो अब 15 जुलाई है, 15 जुलाई के बाद, यानी कि हालांकि आज 28 है, करनाल में ये बैठक आज हो रही है, ट्रक जो यहाँ विभाग है आप देख सकते हैं तमाम सदस्य हैं, हरदीप जी भी हैं हमारे साथ। सर क्या बताना चाहेंगे तमाम जो ट्रक ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए, क्या एक मैसेज है? ऐसा है हमने बटवा की आज पूरे मतलब हरियाणा से आए हुए जितने भी बटवा के पदाधिकारी हैं उनकी यहाँ एक बैठक बुलाई है और करनाल में ही सारे ये मीटिंग रखी गई है और हर स्टेट में हर जगह रखी जा रही है। और ये जो डाला के नाम पर बात हो रही है, ये डाला 10-20 रुपए से चालू होता होता आज 60-70 रुपये, 120 रुपए तक डाला हो गया क्विंटल के पीछे, एक टन के पीछे 120 रुपया, मतलब 2-2-3-3 हज़ार रुपया डाला लोडिंग और अनलोडिंग दिया जाता है। बाकी मैं सरकार को अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ, सरकार हमें हमारी बात नहीं सुनती, क्योंकि सरकार समझती है ये जो ट्रांसपोर्टर हैं पूरे भारत के अंदर ये 2% है। मैं आज सभी सरकारों को बताना चाहता हूं कि हम 2% नहीं हैं, आज हमारी गिनती 20% में आ चुकी है। जो भी ट्रांसपोर्ट के साथ मिस्त्री, टायर वाला, स्पेयर पार्ट वाला, जितना भी उनके परिवार, जो लेबर है, व्यापारी, सब ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट आज 20% है। आज हमें 2% मत समझकर ये भूल मत करो और हमारे ट्रांसपोर्ट की बातें सुनो और हमारी बातें को ध्यान दो और हमारा जो 20% वोट है वो आपके ही कल को काम आने वाला है। इसके लिए मैं सभी जो भी बंदे आए हुए हैं बाहर से, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सर ये तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए हो गया मैसेज, व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे अब 15 जुलाई से, क्योंकि आपने मुहिम शुरू की है, तो व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे, हम लोग डाले का पैसा नहीं देंगे अब? हमारा व्यापारियों से कहना यही है, आप माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, जो माल खरीदेगा माल बेचेगा, जो माल खरीदेगा जो माल बेचेगा उसी की लोडिंग होगी, उसी की अनलोडिंग होगी, उसी का काटा होगा, ड्राइवर का, ट्रांसपोर्टर का, मोटर मालिक का, कोई भी लेबर, कोई भी काटा किसी प्रकार का नहीं होगा। हमने जो 15 तारीख से मुहिम चलाई है हमारी 80% कामयाब हो गई है और इसको 100% कामयाब करना है। इसमें हमारे साथ में ट्रांसपोर्टर, मोटर मालिक, गाड़ी मालिक, स्पेयर पार्ट वाले हर अधिकारी हमारे साथ हैं और इस साथ की वजह से हम कामयाब हैं। आप लोग अब सिस्टम को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने की अब कोशिश? बिल्कुल, नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंसी, न किसी की लोडिंग अनलोडिंग का कोई भी मालिक, ड्राइवर, कोई काटा, किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं देगा। जिसका माल उसका अमाल, उसका यही अभिप्राय है, जिसका माल होगा वही अमाल ही देगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा कि ट्रांसपोर्टर की जेब पर ज्यादा असर नहीं होगा, जैसे किसी का घर का माल जाता है उसके घर में। जिसका घर का माल जाएगा, जो माल बुक करेगा, जिस पार्टी का माल होगा वही देगा, लोडिंग अनलोडिंग काटा उसी का होगा। तो किसी का घर का जब सामान शिफ्ट होता है तो ऐसे ही होता है, यानी कि ड्राइवर को उसका पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई ट्रांसपोर्टर को उसका पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप देख सकते हैं कि ट्रक नगर से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सेक्टर 4 से, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के तमाम जो सदस्य हैं, कार्यकारी टीम है, वो यहां पर पहुंच रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात की जाए, प्रधान की बात की
की जाए, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि 15 जुलाई से डाले काटे के कोई भी पैसे, लोडिंग और अनलोडिंग के पैसे ट्रांसपोर्टर नहीं देगा। ये अब व्यापारी का खर्च होगा, व्यापारी ही लेबर का पैसा देगा। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं 24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ। धन्यवाद।